हेलो गाइस, तुम वापस आ गए हो बिग माउथ के एक नए एपिसोड के संग। तो गाइस, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे पाक चांगो फाइनली जो हमारे बिग माउस हैं उनसे मिल जाते हैं, और जो बिग माउस हैं वो और कोई नहीं उन्हीं के रूम के लीडर होते हैं। तो गाइस, जो हमारा एपिसोड है उसकी स्टार्टिंग होती है, तो पाक चांगो उनसे कहते हैं कि इन सब की वजह क्या है, तुमने मुझे सिलेक्ट क्यों किया है। तो उनके रूम लीडर अब उन्हें बताना स्टार्ट करते हैं कि शुरुआत में मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी तुम्हें इन सब के अंदर घसीटने की, पर जब मेयर ने तो मैं उस केस के लिए इनवाइट किया, और उसके बाद तुम इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी जानने लगे, और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे तुम्हें इन्वॉल्व करना पड़ा। पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यूज करूँगा और उसके बाद तुमसे छुटकारा पा लूँगा, पर तुम धीरे धीरे करके मेरे ऊपर चढ़ते गए, और मुझे एक टाइम बाद ऐसे लगने लगा कि तुम मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हो, और इसीलिए आज मैं तुमसे खुद मिलने आया हूँ। और उसके बाद वो उनसे पूछते भी है कि तुम डॉक्टर सीओ के नोट्स के अंदर इतना क्यों इंटरेस्टेड हो। तो अब रूम लीडर उन्हें बताना स्टार्ट करते हैं कि ये सब मैं अपनी डॉटर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं ना उन्हीं के कारण जो मेरी बेटी है उसकी जान गई है, और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारे पाक चांग उनसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करने से मना कर दूँ तो फिर क्या होगा। तो रूम लीडर अब उनसे कह देते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और जो तुम्हारी फैमिली है ना वो भी नहीं बच पाएगी। तो पाक चांग उनसे कहते हैं तो इसका मतलब मेरे पास तो अब कोई चॉइस रही नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प ही करनी पड़ेगी। पर वो यहाँ पर उनसे कहते हैं कि मेरी एक कंडीशन है जो तुम्हें माननी पड़ेगी, और वो उन्हें अपनी कंडीशन बता देते हैं। और उसके बाद उन्हें कॉल आता और वो हमारे पाक चांग उनसे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ खतरे में है। तो गाइस, जो हमारा सीन है अब वो शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारे गंगजे चोल हैं वो जितने भी ऑफिसर हैं उन सबको ऑर्डर दे देते हैं कि भाई आज रात को हमें कैसे भी करके पाक चांगो और जो मियू है उन दोनों ख़त्म करना पड़ेगा, और जो हमने राइड यहाँ पर फैलाया है ना जेल के अंदर उससे भड़कने दो। और उसके बाद जो ऑफिसर हैं अब उनके पास लौट के आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैदी है अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। तो जो गंगस्टर चूल है अब वो यहाँ पर और भी ऑफिसर को ऑर्डर दे देता है कि भाई कोई भी हिले तो तुम सीधा उड़ा दो, और उसके बाद पूरे जेल में रेड अलर्ट हो जाता है, और जो भी गेट वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो हमारे पाक चांगो हमारी म्यू कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम वहाँ से निकलने की कोशिश करो, नहीं तो मेडिकल रूम के अंदर ही रहो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और उसके बाद हमारी म्यू जैसे तैसे करके जो रूम वगैरह होता है उसे बंद कर देती है, और उनके संग हमारे साइको भैया भी होते हैं। तो उसके बाद अब जो ऑफिसर होते हैं अब हमारे म्यू को ढूंढ लेते हैं और जबरदस्ती उस गेट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी म्यू पहले तो बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करती है, मतलब बचने की कोशिश करती है, और उसके बाद जो हमारे साइको भैया हैं वो हमारी म्यू को बचा लेते हैं, मतलब जो भी ऑफिसर आते हैं वो उन्हें यहाँ पर पीट देते हैं। और दूसरी साइड ही हमारे पाक चांगो भी हमारी म्यू की तरफ आने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं मिलता क्योंकि जितने भी गेट हैं वो सब बंद हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पुराने वाला वार्डन है और हमारे रूम लीडर वो वहाँ पर आए आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम हमारे पीछे चलो, हम तुम्हें एक रास्ता दिखाते हैं। और उसके बाद जो वार्डन है अब उन्हें एक रास्ता दिखा देता और उनसे कहता है कि तुम इस रास्ते पर जाओगे तो सीधा मेडिकल रूम में ही पहुँचोगे। और दूसरी साइड हमारे साइको भैया म्यू को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर जो ऑफिसर है जो कि गंगजे चोल का जूनियर है वो भाई यहाँ पर गन लेके आ जाता है, और उसके बाद हमारे साइको भैया में शूट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे साइको भैया गिर जाते हैं और हमारी म्यू उन्हें बचाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि तुम्हारा खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा है, मुझे इसे कैसे भी करके रोकना होगा। पर तभी यहाँ पर हमारे गंगजे चोल आ जाते हैं और सीधी गन को म्यू के खिलाफ पॉइंट कर देते हैं। तो हमारे साइको भैया अब बिल्कुल साइको नहीं रहे भाई, यहाँ पर उनके अंदर अचानक ताकत आती है और हमारे गंगजे चोल से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर भाई जो गंगजे चोल है ना वो काफ़ी हाई ट्रेंड है और हमारे साइको भैया को वहीं पर गिरा देता है और उसके बाद गन को पॉइंट कर देता है। पर तब तक हमारे पाक चांगो वहाँ पर आए आते हैं और हमारे गंगजे चोल को भाई पीट पीट के उनका बुरा हाल कर देते हैं, और म्यू उनसे कहती हैं कि अब रुक जाओ काफ़ी हो गया। तो उसके बाद हमारे पाक चांगो अब रुक जाते हैं और जो वार्डन और जो रूम लीडर है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। पर भाई यहाँ पर रट्टा फैल चुका है क्योंकि जितने भी ऑफिसर हैं वो भाई पूरा अलर्ट कर दिया उन लोगों ने, और जो ऑफिसर है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि तुम लोग सरेंडर कर दो नहीं तो हमें गोली चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर म्यू उनसे कहते हैं कि हम सरेंडर क्यों नहीं कर देते। तो वार्डन भी उनसे कह देता है कि अगर हम सरेंडर करेंगे तो हमारे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और उसके बाद हमारे पाक चांगो के माइंड में एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि बचने का एक तरीका है। तो अब जो हमारा सीन है अब वो चेंज हो जाता है और कहाँ पर पहुँच जाता है, उसी चैरिटी इवेंट में जिसे हमारे गोंगजू ने ऑर्गेनाइज करवाया है। तो यहाँ पर हमारे जीव और जो सीनियर है वो यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे गोंगजू को अच्छी खासी तरीके से ठांस देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई अगर तुमने कुछ भी नहीं किया
तो जो तुम कंपनी चला रहे हो ना उसको मैं छीन लूंगा। तुम्हारे गोंगजू के भाई पैर से जमीन निकल जाती है कि ये क्या बोल दिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब तुमने करवाया है ना जूही, ये सब तुम्हारी करामत है ना, तुम चाहती हो कि मैं अपनी कंपनी की पावर खो दूं, पर ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो हमारे गोंगजू के पास एक कॉल आता और वो कॉल और किसी का नहीं होता, हमारे पाक चांगो का होता है। और वो ने यहाँ पर कुछ बता देते हैं तो हमारे गोंगजू भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ तक वो हमारे पाक चांगो को आई लव यू तक कह देते हैं कि भाई ये बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, शुरुआत से पसंद था ये बंदा मुझे। और उसके बाद अब वो पुलिस लेके जेल में पहुँच जाते हैं। और जो हमारे मेयर हैं उन्हें भी अब ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो भी जेल में पहुँच जाते हैं। पर गोंगजू यहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ से कॉल आया है और आज रात कुछ खतरनाक होने वाला है। तो प्रोसिक्यूटर ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि जो बिग माउस है वो पकड़ा जा चुका है और तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे। तो भाई यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में ये, तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में वापस चलते हैं। तो जब हमारे पाक चांगो ने उनसे बोला था कि मेरी कंडीशन है, तो यहाँ पर उनकी कंडीशन ये थी कि वो चाहते हैं कि जो रूम लीडर है वो यहाँ पर अपने सारे गुना मान लें कि वो ही बिग माउस है, और उन्हें पकड़वाने वाले और कोई ना हो, हमारे पाक चांगो हो, जिससे उनका नाम भी क्लियर हो जाए। तो हमारे जो रूम लीडर हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंडीशन के लिए मान गया हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पर पूरा कांड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो रूम लीडर है वो यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं और हमारे चांगो गन को पॉइंट करके उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके बाद जो गोंगजू है अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने भाई मेरा बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। और उसके बाद वो बिग माउस से कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करके देखते हो, काफ़ी ज़्यादा भयानक हो। और जो हमारी मियू है वो हमारे गोंगजू को जो ब्लड सैंपल होते हैं वो दे देती है। पर जो मेयर है वो यहाँ पर सब कुछ खड़े हुए शांति से देख रहे हैं। और जो हमारे पाक चांगो है अब उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी जल गई ना, मैं जानता हूँ कि भाई तेरी बहुत ही बुरी तरीके से जली है, तुमने मतलब मेरे संग खेला तो बहुत अच्छा था पर तुम ढंग से मुझे समझ नहीं पाए। तो उसके बाद जो कोर्ट है वो भी यहाँ पर अनाउंस कर देती है कि जो चांगो है वो निर्दोष है और जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगे हुए थे वो सब गलत हैं। तो उसके बाद हमारे पाक चांगो अब कोरिया के सबसे फेमस वकील बन चुके हैं, मतलब भाई उनसे फेमस कोई भी नहीं है, उनकी पॉपुलरिटी भाई इतनी ज़्यादा है कि बच्चा बच्चा जानता गली गली में कि भाई ये पाक चांगो है। तब जो हमारे पाक चांगो है उनकी एक नई लॉ फर्म खुल जाती है जिसका नाम PNK लॉ फर्म होती है। और यहाँ पर जो हमारी मियू है वो उनसे कहती है कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम बाहर आ चुके हो। पर हमारे पाक चांगो कहते हैं कि अभी काम पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाना चाहता हूँ जिसके अंदर मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। तो उसके बाद अब जो हमारे चांगो हैं वो हमारे बिग माउस से मिलने पहुंच जाते हैं जिन्हें हमारे प्रोसिक्यूटर इंटरोगेट कर रहे हैं। और उसके बाद वो वहाँ पर खड़े हुए मेयर की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि मुझे इनसे अकेले में बात करनी है जहाँ पर कोई भी कैमरा ना हो। उसके बाद जो हमारे बिग माउस है अब उनसे कहते हैं कि सब तुम क्या कर रहे हो। तो उनसे कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया है ना मैं उसे पूरा करूंगा और सबसे पहला काम मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तो उनसे कहते हैं कि इससे तुम्हारी जो पॉपुलरिटी है वो कम हो जाएगी, ये तुम बात जानते हो ना। तो हमारे पाक चांगो उनसे कहते हैं कि टेंशन मत लो, इस समय मेरी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है और मुझे पता है कि मुझे कैसे करके तुम्हारी इन बातों को हैंडल करना है। तो उसके बाद जो सीन है अब वो चेंज हो जाता है और हमारे गोंगजू एल्डर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर मैंने ये ब्लड सैंपल कलेक्ट किए हैं और अगर ये ब्लड सैंपल बाहर निकल आते तो काफ़ी ज़्यादा पंगा हो जाता। तो जो एल्डर हैं अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसके बाद वो उन्हें कंपनी के कुछ शेयर दे देते हैं। तो जैसे ही हमारे गोंगजू साइन करने को होते हैं तभी यहाँ पर हमारी जूही आ जाती है और उनसे कहती है कि सर आपको टीवी देखनी चाहिए। तो यहाँ पर टीवी जब वो ओपन करके देखते हैं तो हमारे पाक चांगो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं और वो यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं कि वो अब से बिग माउस का केस लड़ेंगे और जो डॉक्टर सीयू का मर्डर है वो उससे भी पर्दा पूरा खोलेंगे कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और वो यहाँ पर थोड़ी हिंट भी दे देते हैं कि इन सब के पीछे कोरिया के काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं। तो अब जो एल्डर हैं भाई उनका दिमाग पूरी तरीके से खिसक जाता है कि भाई ये क्या बोल रहा है बंदा सामने, मुझे इंडिकेट कर रहा है ये। और जो हमारे गोंगजू हैं वो हमारे एल्डर से कहते हैं कि सर आप प्लीज़ साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा, टेंशन मत लो। तो जो एल्डर हैं अब जो भी कागज़ होते हैं उन्हें फाड़ देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, इससे पहले पूरा करके आ और उसके बाद ये अपना साइन करवा के लेके चले जाओ। तो हमारे गोंगजू को भाई इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि भाई मैं क्या बताऊँ, मतलब सामने अपॉर्चुनिटी है, एक साइन हो चुका है उनका, बस सोच रहे होंगे कि यार 5 मिनट बाद ये आती ना तो काम हो जाता आज मेरा, पर नहीं। क्यों ऐसा, क्यों मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है आज। और उसके बाद वो हमारे चांगो के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये सब तो मैं करने की क्या जरूरत थी, सब कुछ अच्छा खासा जा रहा था ना।
तो अब पाक चांग उनसे कहते हैं कि भाई अब तुम तो मेरे लेवल के आदमी नहीं हो, यहाँ पर क्यों आते हो अपनी बेइज्जती कराने। तो उसके बाद हमारे गोंगजू उन्हें एक ऑफर देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी तो फैमिली के अंदर इंक्लूड हो जाओ तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमारे पाक चांग उनसे कहते हैं कि सुनो पहले मेरी बात ध्यान से, कि जो तुम्हारे चेयरमैन कांग है ना, जिन्होंने ये पूरा कांड रचा है, उनसे कहो कि मेरे पास आएं और मुझे खुद इनवाइट करें, तब मैं सोचूंगा कि मुझे तुम्हारी फैमिली के अंदर ज्वाइन होना है या फिर नहीं होना है। और दूसरी साइड ही हमारी म्यू अपने फादर को कॉल करते हैं और उनसे कहती हैं कि आज जो मॉडल क्रिमिनल्स हैं वो बाहर आने वाले हैं और मैं देखने जा रही हूँ कि वो लोग कहाँ पर वर्क करते हैं और उन लोगों का वर्क क्या है। तो जो उनके फादर हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले मत जाओ, काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो हमारी म्यू एक सुनसान एरिया में पहुँच जाती है जो कि एक माउंटेन एरिया होता है, जहाँ पर जो मॉडल क्रिमिनल्स हैं अब वो एक शटर के अंदर पहुँच जाते हैं और उसके अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा पाइप्स वगैरह होते हैं, मतलब भाई पूरा केमिकल वाला लोचा होता है यहाँ पर। और अचानक ही यहाँ पर मतलब लीकेज वगैरह होने लगता और जो बिल्डिंग है वो गिरने लगती है। तो हमारे मियो को समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसके बाद वो हमारे साइको भैया को भी ढूंढती हैं क्योंकि वो भी वहाँ पर गए थे, और उसके बाद वो अंदर घुस जाती है हमारे साइको भैया को बचाने के लिए। तो वो यहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह करती है और वो देखती है कि भाई ये जो जगह है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और आखिरकार उन्हें हमारे साइको भैया मिल जाते हैं और वो उन्हें बाहर निकाल लेती है। तो अब जो ये खबर है वो हमारे एल्डर तक भी पहुंच जाती है और एल्डर हमारे मेयर से कहते हैं कि ये बात मुझे पहले मेरे एक फ्रेंड ने बोली थी कि वहाँ पर तुम ऐसा काम मत करो, वो बिल्डिंग गिर सकती है। तो हमारे मेयर उनसे कहते हैं कि आपके उस फ्रेंड का क्या हुआ। तो हमारे एल्डर उनसे कहते हैं कि वो फ्रेंड मर गया। तो अब जो हमारे मेयर हैं वो यहाँ पर एक फ्लैशबैक में वापस जाते हैं, तो जो आदमी था और जो हमारे एल्डर का फ्रेंड था वो और कोई नहीं, हमारे मेयर के जो दादाजी हैं वो थे, और भाई यहाँ पर उनका एक कुछ पक्का पास्ट है उनके संग। तो अब वो यहाँ पर एल्डर से कहते हैं कि आप एक बात मेरी मान लीजिए कि जो बिग माउस है उसकी बेल करवा दीजिए और उसके बाद बाकी सब मैं देख लूँगा। तो यहाँ पर जो हमारे बिग माउस है उनकी बेल हो जाती है और हमारे पाक चांगो बिग माउस को उनके घर तक छोड़ने आते हैं, और वो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप एक सेफ हो। और जो हमारे बिग माउस है अब उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम और जो तुम्हारी वाइफ है आज शाम को यहाँ पर आए, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाना चाहता हूँ। तो हमारे चांगो उनसे कहते हैं कि ठीक है आज रात को हम यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। तो अब जो हमारे बिग माउस हैं वो अपनी किचन का जैसे ही कैबिनेट ओपन करते हैं तो भाई यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, और हमारे पाक चांगो भाई नीचे खड़े होते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि ये सब क्या हो गया, अभी तो बिग माउस बाहर आया था और उसे किसने मार दिया भाई यहाँ पर। और गाइस जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है।